तो गाइज वेलकम बैक टू माई ब्लॉग। और आज बड़े दिन के बाद आप लोग ब्लॉग देख रहे होंगे, और ये एक ब्लॉग नहीं है, एक मैं एक्सपेरिमेंट करके देख रहा हूँ, तो जिसको कहते हैं नोकट। तो नोकट मैं किस चीज़ का बना रहा हूँ, तो अभी आप देख सकते हैं। तो उस टाइम पे मम्मी बना रहे हैं डोसा, ठीक है। और अब मैं ये वीडियो बनाता जाऊँगा, ऐसे मतलब काम चलता रहेगा, ठीक है। आ वैसे रुक क्यों गई, चलो करते रहो। हाँ नहीं मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने वीडियो शुरू करी आप पीछे हो गए एकदम से, तो फिर अब डोसा बनना शुरू हो गया है, ठीक है। और अब ये देखते हैं कितनी देर लगती है इसमें, और अब ये एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं हमें कैसा चलेगा। अब इसमें नो कट में क्या होगा कि हमें बोलते ही रहना, क्योंकि 3-4-5 मिनट की एक वीडियो बनेगी, ठीक है। और ये अब हमने पनीर का मसाला बना रखा है यहाँ पे, और ये पनीर का मसाला मम्मी ने लगा दिया इसके ऊपर, ठीक है। और ये मतलब पहले भी हमने टेस्ट करके देखा था, थोड़ा सा फीका रह गया था, तो इसमें थोड़ी सी और मसाला मिलाया हमने, और अभी पनीर का मसाला डाल दिया इसके अंदर। अब ये सीखेगा, इसको 1-2 मिनट लगेंगे, सीखने में टाइम लगेगा, तो उस करके थोड़ा सा अपना नो कट थोड़ा सा बोरिंग ना हो जाए, तो उस करके इतने थोड़ी सी मैं एक आधी और बात कर देता हूँ। तो फिर अभी बता देता हूँ, मैं अब अपने एग्ज़ाम को रह गया सिर्फ 1.5 महीना, 1.5 महीने से भी कम टाइम रह चुका है, और मतलब 43 डेज रह गए हैं, वैसे 42 डेज रह गए हैं, और बस तैयारी चली जा रही है अब, तो देखते हैं जो भी होएगा। ठीक चल रही है ऐसे तो मैं क्या बताऊँ। और इतने जितने अपना डोसा सीखता है, इतने मैंने आपको थोड़ा बहुत कुछ और बता दिया है, और डोसा सीखने देते हैं। और ये हमारी नारियल की चटनी है, ज़रा ये देखो, जो वही होती है ना डोसे वाली, वही हमने खुद ही घर पर बनाई है, ये भी मम्मी ने, है ना। और ये हो गया, और ये हो गया, और ये डोसा थोड़ा थोड़ा सा हो चुका है, पक चुका है। नहीं अभी कच्चा है ना, थोड़ा कच्चा है अभी, तो थोड़ा सा कच्चा है, थोड़ा सा और आँच लगाते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा। हाँ जैसे यहाँ से चल गया मतलब ब्राउन हो गया, तो पूरा चारों तरफ से ब्राउन हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको कर देंगे। तो इसमें क्या है कि मेन ये चीज़ टेस्ट होती है कि भाई हम कितनी देर तक बोल सकते हैं। अब जैसे अगर मैं 3-4 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ जो नो कट होगी पूरी की पूरी, तो इसमें मुझे बोलते ही रहना, मैं रुक नहीं सकता हूँ, ठीक है। और डोसा पलटने की भी बारी आ चुकी है, इतने हम अपनी प्लेट भी डाल लेते हैं, निकाल लेते हैं, और मिनी को भी बोल देते हैं, अरे मिनी चल। और ये शाम को सारा दिन ऐसे ही बैठा रहता है, फ़ोन चलाता रहेगा, जा बनिया डोसा खा ले, जल्दी खड़ा हो, जल्दी आ, वैसे खाने के टाइम पे ही उठता है, बाकी इसको कुछ काम कहते रहो, ये बिल्कुल भी नहीं उठता। इसको भी काम नहीं है कोई। किसको काम नहीं है, क्यों मेरे को क्यों काम नहीं है, और क्या, जल्दी जल्दी निकाल, झूठ बोल रहा है। मैंने कब झूठ बोला भाई, और डोसा आ गया है मिनी का, मैं खा रहा हूँ। अगले की तैयारी देखो कैसे करते हैं, अब इसके ऊपर ऐसे डालेंगे जैसे आपने देखा होगा, पानी डाल दिया, ये रहा, ये ले जा, चटनी डाल लो साथ में, बोरी चटनी वो डाल ले, गिरा मत दियो, अरे वो तो देखा ही नहीं, वो बीच में रह गया, कोई नहीं, चलो अब ये डालेंगे। अब ये इसको पूरा प्लेन चिपका दिया इससे, है ना, जैसा कि आप लोगों ने देखा। और ये हो चुका है पूरा, ये देखो साथ ही साथ बस पकने से भी लग गया है, फिर उसके ऊपर से वही प्रोसेस सेम करेंगे, इसके ऊपर मसाला लगाएंगे, चटनी डाल पे पक जाएगा, फिर चटनी डाल के खा लेंगे ऐसे ही, है ना, और क्या। और ये डाल दिया मम्मी ने मसाला, बाकी आपने इसे पिछला डोसा बनते हुए इसके बाद देख ही लिया था। और ये हमारी वीडियो भी चुकी है 3-4 मिनट की होने वाली है, तो फिर बस अब इतना मेरा भी डोसा डालता हूँ मैं, तब तक के लिए वीडियो को रखेंगे, छोटी सी नो कट वीडियो जो एक एक्सपेरिमेंट है। और ये पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में ऐसे ही है कि मैं करके देखता हूँ, क्योंकि बड़े टाइम हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, कोई ब्लॉग व्लॉग तो डाला है नहीं अब तक, और एक और प्लेट चाहिए होगी, तो 1 महीने से ऊपर हो गया कोई ब्लॉग नहीं डाला अब तक मैंने, और ना कोई ब्लॉग वीडियो भी मैं कुछ बना रहा हूँ, ना कुछ कर रहा हूँ, तो फिर क्योंकि अभी नो कट है, मैंने सोचा ये डाल देता हूँ, इसमें ना तो मेहनत लगेगी, क्योंकि सिर्फ डालना ही डालना है, अभी जितनी भी वीडियो बनेगी बस ये सीधी के सीधी ऐसे ही डाल दूंगा मैं, बस ये थंबनेल के लिए, बस ऐसे अब ये दिखा दिया, यही थंबनेल ले लिया मैंने यहीं से, ठीक है। तो बस क्या था थंबनेल, तो दूसरा भी ले लूँ बाकी पता नहीं। तो चलो इसी के साथ डोसा बन चुका है, और अपने ब्लॉग को करते हैं यहीं पर हम एंड जल्दी में, एक तो पता भी नहीं लग रहा क्योंकि पहली बार बोल रहा हूँ मैं, है ना। और ये मम्मी ने दूसरा डोसा भी बना दिया है, ये मेरे से जब से मैं तब तक मैं लूँगा, उससे पहले तो मिनी लेने आ जाएगा इसको। खा लिया तूने, अभी तो वो खा रहा है, खाने देते हैं। तो चलो इसी के साथ इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और ये डोसा बन चुका है, और ये डोसा बस हम प्लेट में डाल लेते हैं, और उसके साथ साथ ही व्लॉग एंड कर देते हैं, पक भी चुका पूरा। और ये मम्मी ने डोसा भी बना दिया, वैसे तो पहले देखा हुआ है व्लॉग में, पर ये मैंने ऐसे ही सोचा बनाने के लिए। तो चटनी डलेगी और वीडियो बंद हो जाएगी इसके साथ साथ, और ये हमारा पूरा 5 मिनट का व्लॉग बन गया लगभग, है ना। हाँ 4 मिनट 57 सेकंड का बन चुका है।
5 ही मिनट हो जाएगा जब तक मैं इसको ऐड करूँगा, और इसको यू का यू डाल देंगे। और फिर से वो पानी डाल दिया गया एक और डोसा। तो आप देख सकते हो 5 मिनट में दो डोसे तैयार हो चुके हैं। ऐसे ऐसे करके लर्निंग कर भी थोड़ा सा यहाँ पे लगेगा, तो फिर आप देख सकते हैं 10-15-20 मिनट में सबके लिए डोसे बन जाएंगे, है ना मम्मी? 15 मिनट में सबके लिए डोसे बन जाएंगे। और ये चटनी थोड़ी सी गिर गया। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यहाँ पे ख़त्म और अपना डोसा खाते हैं। तो फिर चलो, बाय बाय।